पता ही होगा कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हरा दिया। लेकिन कौन है इसके सबसे बड़े गुनहगार? जी हाँ, मैं मानता हूँ इसके सबसे पहले गुनहगार है रवि शास्त्री। जी हाँ, जब कोहली मैदान पर थे और वो आउट होकर वापस पवेलियन को लौट गए थे तब भारत की स्थिति थी 5 रन पर 3 विकेट। तब रवि शास्त्री को कुछ सोचना चाहिए था और उनके सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी एमएस धोनी को क्रीज पर उतारना चाहिए था ताकि अगर जब भी मारने की स्थिति हो तब भारत के पास कार्तिक, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे हिटर आप बाद में रहे। उसके बाद गुनहगार नंबर दो है विराट कोहली। जी हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी विराट कोहली ने भी ऋषभ पंत के बाद धोनी को भेजने के बजाय दिनेश कार्तिक को क्रीज पर भेज दिया। और जबकि दिनेश कार्तिक टीम में जगह बनाने के दबाव में थे ही, उसके बाद ही उनकी भारतीय टीम की ऐसी स्थिति में उनको भेजकर उन्हें और दबाव महसूस कराया गया। इसके बाद तीसरे गुनहगार है खुद एमएस धोनी। जी हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने 50 रन किए और वो आखिर के कुछ ओवर में आउट हुए, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एमएस धोनी निरंतर पिछले कुछ मैचेस में बहुत सारे डॉट्स बॉल खेल रहे हैं जिसके वजह से उन पर या फिर बाकी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता है और भारत आखिर में या तो हारती है या फिर भारत के बल्लेबाजों को बहुत ही ज़्यादा रन रेट की जरूरत पड़ती है। आप सबको अगर ये मेरी 3 पॉइंट्स अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी कमेंट राय जरूर दीजिए। थैंक यू।